खबर पृथला से। पृथला विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार नैनपाल रावत ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए नैनपाल रावत ने कहा कि आने वाली 5 तारीख को पृथला विधानसभा क्षेत्र की जनता उन्हें एक बार फिर निर्दलीय विधायक बनाने के लिए आशीर्वाद और समर्थन दे चुकी है। वहीं भाजपा प्रत्याशी टेकचंद शर्मा को लेकर निर्दलीय प्रत्याशी नैनपाल रावत ने तंज कसते हुए कहा कि पृथला विधानसभा में पहले भी भाजपा के प्रत्याशी की जमानत प्राप्त हो चुकी है और इस बार भी भाजपा के प्रत्याशी की जमानत जब्त करने का काम पिछला विधानसभा क्षेत्र की जनता करेगी। नामांकन किया है, किस तरीके से देख रहे हैं छोड़ा आपको? देखिए, हर व्यक्ति अपने प्रति जीत के प्रति आश्वस्त होता है, लेकिन मैंने 2019 का चुनाव भी आप सबने देखा होगा, जनता जनार्दन के सहयोग से, 36 बिरादरी के सहयोग से चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीता। और क्योंकि 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन देना, टिकट काटने के बावजूद इनके साथ खड़ा रहना और उसके बाद दूसरी बार ये मेरे साथ काम करना, और ना केवल ये धोखा भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दिया है, मेरे पृथला परिवार के 36 बरादरी को धोखा दिया है। पहले से ज़्यादा उत्साह, पहले से ज़्यादा जोश, पहले से ज़्यादा उमंग मेरे हजारों हजारों साथियों में है और निश्चित तौर पर आश्वस्त तो सभी रहते हैं, पृथला विधानसभा दोबारा से एक इतिहास बनाने जा रही है, पहले से बड़ी वोटों के साथ मुझे चंडीगढ़ पहुँचाने जा रही है, ऐसा मेरा विश्वास। जिन मुद्दों को लेकर जाएंगे जनता के, देखिए जनता के